अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत का सबक, माँ बाप की खिदमत। यह आपकी इस्लामियत की किताब है, सफ़ा नंबर 32। सबक का नाम है माँ बाप की खिदमत। सवाल नंबर एक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में क्या फरमाया? जवाब, जन्नत माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों में है। सवाल नंबर दो, हमें अपने वालदेन से किस तरह बात करनी चाहिए? जवाब, हमें अपने वालदेन से नरमी और आदाब के साथ बात करनी चाहिए। हमें अपने वालदेन से नरमी और आदाब के साथ बात करनी चाहिए। सवाल नंबर तीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद के बारे क्या फरमाया? जवाब, बाप को नाराज़ करने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। बाप को नाराज़ करने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। सवाल नंबर चार, माँ को प्यार से देखने से कितना सवाब मिलता है? जवाब, एक हज का सवाब मिलता है। सरगर्मी, दुरुस्त जुमलों के सामने सही और गलत जुमलों के सामने गलत का निशान लगाएं। नंबर एक, जन्नत माँ के कदमों में है, यहाँ पर क्या आएगा? सही। वालदेन की हर बात माननी चाहिए, यहाँ पर भी सही आएगा। वालदेन से ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए, यहाँ पे गलत आएगा। माँ बाप का अदब करने से अल्लाह ताला खुश होता है, यहाँ पे भी सही आएगा। आपने इसी तरह से वर्किंग करनी है जिस तरीके से मैंने करी है। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप घर पे इसे अच्छी तरह से याद करिएगा और सरगर्मी वाली वर्किंग भी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।